जब कोई पूछे कौन हो तुम, कहना बागी नाम हमारा, जुल्म मिटाना काम हमारा, गदर करना पेशा हमारा। करतार सिंह सराबा तो बहुत प्रभावित हाँ, करतार सिंह सराबा मेरे गुरु, तो मैं उन्हों की फोटो हमेशा अपनी जेब च रखता हाँ। ये शब्द शहीद आजम भगत सिंह ने कहे। सरदार करतार सिंह सराबा का जन्म पिंड सराबा 24 मई 1896 होया। उन्हों का पिता का नाम सरदार मंगल सिंह गरेवाल, माता का नाम साहिब कौर सी। करतार सिंह सराबा ने मुढ़ली सिक्ख्या पिंड च प्राप्त की, तो उस तो बाद उड़ीसा चले गए, क्योंकि बचपन के ही उन्होंने पिता जी की मौत हो गई सी। उन्होंने बाबा जी ने ते परिवार के बाकी मैंबर ने उन्होंने देखभाल की। पढ़ाई में बहुत होशियार होने के कारण, अंग्रेजी के बहुत फ्लूएंट होने के कारण उन्होंने USA की कैलीफोर्निया यूनीवर्सिटी में पढ़ने वास्ते भेजा गया। ये वो यूनीवर्सिटी से जिथे कैलीफोर्निया के उन्होंने मुलाकात गदरी लीडर के नाल हुई। गदरी लीडर मुलाकातों दौरान जो उन्होंने पता लगा कि भारत के बरतानिया राज के अंडर लोगों के बहुत तशद्दुद हो रहा, लोगों का जीवन दुभर हो गया, तो उन्हों का मन विचलित हो गया, तो उन्होंने दिन रात भारत को आज़ाद कराने के सुपने आने लगे। देश को आज़ाद कराने का जज्बा अपने मन च लैके सरदार करतार सिंह सराबा भारत आ गए, तो उन्होंने अपने दोस्तों मिल के कई योजनावां बनाईया। उन्होंने योजनावां एक योजनावां सी कि ट्रेन लुटना, गोरियां लुटना, और वो पैसे देश की आज़ादी के लिए इस्तेमाल करने, पर अंदरूनी मुखबरी के कारण वह तो उन्होंने साथी फड़े गए और उन्होंने अदालत में पेश किया गया। अदालत के जज भी उन्होंने छोटी उम्र तो उन्होंने इन्नी इंटैलीजेंसी तो बहुत प्रभावित होए, पर 16 जून 1915 सेंट्रल जेल लाहौर से उन्होंने फांसी दे दी गई। तो उन्होंने पूछा गया कि तेनों अपनी जान का अपनी मौत का कोई खौफ नहीं है, तो सरदार करतार सिंह सराबा ने कहा कि मेरी एक एक खून के कतरे तो एक एक करतार सिंह सराबा पैदा होएगा और ये देश आज़ाद जरूर होएगा। उन्होंने इन भावनावान सिक्ख्यावान के कारण 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद होया। यही पाओगे जुबान मेरी, यही है बयान मेरा, मैं बंदा हूँ हिंद वालों का, वतन हिंदुस्तान मेरा।